الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون نورا خالقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعذره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات الله عليه وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ عزت دی آج آپ کے سامنے میں اس اہم تقریر کو آپ کے سامنے پیش کروں. میں ان کا شکر گزار ہوں. بڑا برکت و عظمت کا یہ مہینہ جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا. ہر دن ہر مہینہ ہر سال مالک کائنات کے تابع ہر دن ان کے, لیکن یہ خاص طور پر ماہ مبارک کا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے مالک کائنات نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور تم سب میرے مہمان ہو. ہر شے کی ایک موسم ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک موسم ہوتی ہے, اور اسی موسم میں ان کا لطف اٹھایا جاتا ہے. جیسے غذا پھل کچھ خاص موسم میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں بڑا لطف اٹھایا جاتا ہے, اسی طرح سے رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ دعائیں نمازیں ہر روز سال بھر زندگی بھر پڑھتے رہے, لیکن دعا نمازیں مجموعات کچھ بھی ہو مناجات ساری ان چیزوں کا لذت جو ماہ رمضان میں ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ کچھ اور لذت ہوتی ہے جہاں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ مالک بس اب وہ کام کروں, اب وہ مجھ سے کام لے جسے تو راضی رہ جائے. یہ بابرکتوں کا مہینہ مومنین جس کا انتظار کر رہے تھے, بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے, آج وہ خاتمے پر آ رہا ہے. یعنی چند گنتی کے دن رہ گئے. یہ خاص مہینہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم گنہگار بندوں کے لیے ایک وقت دے دیا
कि आज भी तौबा का दरवाज़ा इस तरह से रात दिन खुला हुआ है। मेरे बंदे आज भी इस आस्ताने पे सर झुका ले, आज भी माफ़ी मांग ले, तो शायद हमें ये मौका मिल रहा है। बस एक बात यकीनी है कि जो कभी किसी को मेहमान बनाए, किसी को अपने दस्तरखान पर बुलाए, तो कोई भी आदमी जैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोशिश इनकी यही होती है कि किसी न किसी तरीके से मेहमान राज़ी हो के जाए। यानी दस्तरखान अपने हैसियत के मुताबिक सजता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि मेहमान राज़ी हो करके चले जाए। बस इसी तरह आज देख लीजिए कि एक परवरदिगार कह रहा है कि बंदे मेरे मेहमान है, तो आप उसका अंदाज़ा कीजिए। वो मालिक है कायनात के, जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात, पूरी शय, सब कुछ इसके हवाले, सब कुछ उनके साथ, और उनके मेहमान जब हम बंदे होंगे तो उसका दस्तरखान कैसा बिछा होगा। यकीनन उसका दस्तरखान एक अजीब नहायत होगा, अजीब होगा। अब मेहमान में वो खसूसियत होनी चाहिए कि उस दस्तरखान से कुछ लुत्फ इस तरह से उठा सके, यानी जो चाहे वो मांग ले। वसत रिस्क मांग लो, सेहत नफ्स मांग लो, तूले उम्र मांग लो, अक्ल मांग लो, यानी जो जो चाहे वो मांग लो। दस्तरखान सजा हुआ है, लूटने की इजाज़त आपको है। बस इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि कम से कम मालिक की इताअत तो हो, मालिक की इताअत तो हो, यानी मालिक जो चाहता है बंदा इस तरह से गुजर के चले जाए। अब इसका रिज़्क खुला हुआ है, जो चाहे वो मांग लो। तो ये महीना बाबरकतों का महीना, और खुसूसन इस सोसाइटी में मैं इतना कहता हूँ कि आज रोज़ा रखने के बाद आपकी फरमाइश के मुताबिक आपके घर में वो सारा सामान मुहैया है। जब घर पहुँचोगे तो जो जो फरमाइश की थी, दस्तरखान उसी के मुताबिक सजा हुआ है, जो चाहे वो लुत्फ उठाओगे। कभी ये भी सोचा है कि कितने के घर में दस्तरखान कभी नहीं बिछता, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो रोज़ा सिर्फ इसीलिए वाजिब नहीं किया दिया कि हमको चंद घंटे भूखा प्यासा रख करके, या कुछ ऐसा बजट सिस्टम अल्लाह के पास है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भूखा रख करके बाकी खाना फरिश्तों को खिला दिया। नहीं, उनके देने में रिस्क में कमी नहीं है, ले हमारी सलाहियत है हमारी गुनाहों की माफ़ी के लिए कुछ रोज़ा, कुछ नमाजें, कुछ कज़ाए इस तरह से रखी है कि मोमिन आकर इसी आस्ताने पर आकर के जो भी कुछ मांगे हम अता करेंगे। तो इस्लाम वो दीन है जिनके लिए परवरदिगार आलम ने ऐसा इंतज़ाम किया कि पहला बशर जो भेजा वो हादी बना करके भेजा, यानि अव्वल जो बशर आया वो आज़म जो आए वो हादी बन करके पैगम्बर बन कर के आया, बाद में उम्मत आई, ताकि आने वाली दुनिया में ये कभी इल्ज़ाम न लगाए कि मालिक तूने हमने भेजा तो सही लेकिन हमारे सामने कोई हादी नहीं आया था। तो पहला बशर हादी और आखिरी भी हादी रहा, और हमारा एतकाद है और दीन ये बता रहा है हादी आज तक जिंदा और मौजूद है। जब चाहे सलाम करो, जब चाहे पुकार लो, जब चाहे लिख लो, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहाँ से आवाज़ ये अगर ज़रा आगे आ जाए तो लोग वहाँ एक हाथ जमा हुए हैं। सलवात बर मोहम्मद। बहरहाल इस्लाम वो दीन है कि जिसमें जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। किसी तवील तकरीर का कोई मजमून नहीं है। बड़े एक वक्त के बाद आया हूँ, सिर्फ आपकी खामोशी को पाकर चंद लम्हा आपके उन जहनों को झंझोड़ना चाहता हूँ कि जो बात आपकी जहनों में दबी हुई है। तो इस्लाम ऐसी फितरत है कि जिसका कोई इनकार कर नहीं सकता, यानि आज़ाद मज़हब के जहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं,
हाँ यकीनन उसने हादी भेजे, लगातार हादियों को भेजा, सही रास्ता भी बताया, लेकिन बाद में ये कहा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इन्ना हदैनाउ सबीला, हमने राह बता दी, सबीले राह दिखाई, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अगर चाहो तो शुक्र का सजदा कर लो या फिर कुफ्र को अख्तियार कर लो। तो अब बंदे की जिम्मेदारी है कि सही राह को पाले, सही की राह के तलाश करे, सही राह को ढूंढे। तो तबलीग, यकीनन तबलीग की ज़रूरत है, यकीनन तबलीग की ज़रूरत है, और नबी और मासूम यह कहकर के गए हैं। लेकिन मैं हमेशा यह कहता हूँ, मेरी आदत ये रही है कि पहले तबलीग घर में करनी चाहिए, पहले मुसलमान को मुसलमान बनाना चाहिए, बाद में गैरों पे जाकर तबलीग करें, पहले मुसलमानों को। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि जुमे के खुतबे में हमारे डॉक्टर साहब ने भी यही बात दोहराई और बड़ी खुशी हुई। डिग्रियां यूं नहीं मिली, अहले बैत का लगाव तो है। तो माशाल्लाह इसने भी यही कहा कि वेस्टर्न सोसाइटी को अफसोस हो रहा है उन मुसलमानों पर, जब अली की फजीलत और अली जैसी शख्सियत की सामने बातें आती है तो वो खुद परेशान होकर कहते थे कि मुसलमानों ने इंसाफ नहीं किया अली पर, यानी अली को पसे पर्दा रखकर इतना दबाया गया, इतना दबा गया कि लोगों को आज भी मालूम है, तो वेस्टर्न सोसाइटी आज जानती है। तो सबसे पहले तबलीग करो तो अपने मुसलमानों में करो, पहले अपने मुसलमानों की आंखों से पर्दा हटा लो। जरी पर पर्दा डालने से क्या फायदा होगा, जरी पर कैदी तो बन बन करके मासूमीन खत्म हो चुके, अब इस पर पर्दा क्या है। हम इनकी पैरवी इस तरह से नहीं करते कि हमारी कोई बुत परस्ती है, हम उनको सलाम यूं करते हैं कि मालिक उस वक्त हम नहीं थे लेकिन आज तेरे आस्ताने पे हम सलाम कर रहे हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जरी पर पर्दा कोई फायदा नहीं, उन नाम निहाद मुसलमानों के इनकी आंखों से पर्दा पहले उठाना होगा, तबलीग की वो जरूरत है, इसी से तबलीग आगे शुरू होती है। और इस्लाम को यकीनन गैरों से नुकसान कभी नहीं हुआ है, इस्लाम एक नाम है, एक लफ्ज है, इस्लाम एक लफ्ज है जिसका दूसरा नाम है मोहम्मद, यानी मोहम्मद यानी पहले भी मोहम्मद, दरमियान में भी मोहम्मद, आखिर में भी मोहम्मद। तो इस्लाम नाम है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद का, तो मोहम्मद के जरिए से इस्लाम पहचाना जाएगा। इसीलिए तो कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। गैरों से इस्लाम को कभी नुकसान नहीं हुआ, न मानने वाले ने न माना या न माना तो कयामत तक न माना, यानी कयामत से मुराद आखिरी लम्हे तक न माना, फौरन कह दिया हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं अबू लहबी अबू सुफियानी से बहुत बेहतर, बड़ा गैरतमंद, बड़ा शरीफ, जो इनकार किया तो खुले मुंह इनकार किया, जो दिल में है वो जबान में है। ऐसा नहीं अबू सुफियानी जैसा कि कभी माना तो इस तरह से माना कि तलवार देखियो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं, जो नहीं माना तो नहीं माना। लेकिन वो जो दरमियानी से रास्ता ढूंढ रहे, जो खुदा और रसूल के दरमियान से जो फासला करके आगे चल रहे है, इन्हीं से खतरा है। तो गैरों से हमें खतरा नहीं हुआ कभी, खतरा इन्हीं से हुआ। तो कुफ्र की तारीफ क्या है, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, यानी अपनी पसंद को मिलाएंगे, जो हमें पसंद आएगा उसे कबूल करेंगे। और मुस्लिम की तारीफ क्या है, मैं क्या कहूं, कुरान से पूछो, मा आताकुम रसूल फखुजुहु व मा नहाकुम यंतहु, देखो रसूल जो भी दे उसे ले लो, जिसे रोके उसे रुक जाओ। यह है कुरान, जो भी रसूल दे उसे ले लो, जहां रोके रुक जाओ। अब जहां भी दे, जिस तरह से दे, जिस बज़्म में दे, मस्जिद में दे, घर में दे, मैदान में दे, दरबार में दे, मुबाहले में दे, गदीर में दे, मुसलमान उठा लो जो रसूल दे रहा है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीब बात है मुसलमानों की, तारीख उठाकर देखो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शायद किसी को उस पर गुस्सा आता होगा लेकिन यह कहना मेरा फर्ज है, वमा अलैना इल्लल बलाग, रसूल के ऊपर यही हुआ था तुम पहुंचा दो, तो ये वही है, हम अहले बैत के गुलाम इसी तरह से हम पहुंचाते हैं। देख लो इल्म की बिना पर आगे चाहे जितना बढ़ो, चाहे जितनी डिग्री हासिल करो, हमें फक्र होगा
लेकिन अहले बैत के दामन से हटे तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं से नहीं रहोगे, अहले बैत के साथ साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। तो आज रसूल इस्लाम हमारे सामने नहीं है, जिस इस्लाम को पेश किया वो आज रसूल हमारे सामने नहीं है। तो आज इस्लाम को ढूंढे तो किस आस्ताने पे ढूंढे। तो सन 11 हिजरी में रसूल की रहलत हुई, तो बादे रसूल को ऐसी हस्ती होनी चाहिए कि जिसकी दरबार से, किसके दरबार से हम इस्लाम को हासिल करें। तो अगर कुरान ला रैबा फी की मंजिल पर आकर के मासूम है, अगर रसूल मायंती को अनिल हवा की मंजिल पर आकर के मासूम है, तो कुरान और रसूल का फर्क भी वहां उधर से देख पता चलेगा, उसको वहीं से पहचानो कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लिसुबानकुम रिसाहल बैत व युतहिरकुम तथहीरा। सलावत पढ़ो। तो इस्लाम को ढूंढने के लिए रसूल और इनकी इतरत को ढूंढो, वहीं पाएंगे। यही तो वह वजह थी कि जाते वक्त सन 10 हिजरी में आखिरी हद से पलटते हुए गदीर खूम के मैदान में लाखों के मजमे में एक तवील खुतबा इंशा किया, और वो हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा। और हमेशा मेरी आदत रही है कि मैं सिर्फ शियों की किताबों से हवाला नहीं पेश करता हूं, ताकि खुदा न करे कोई ऐसे मुसलमान जो हो हमारे दरबार में, हमारे बज़्म में आते हो, कहे कि नहीं शियाइज़्म की बात करते। नहीं, मैं आम जनरल मुसलमानों की बात करता हूँ, आम दावत फिक्र देता हूँ। किताब उठा कर देखो, हर एक ने नकल किया है। हाँ, लफ्ज़ में शायद फ़र्क हो, इससे भी हमें एतराज़ नहीं है। और ये मशहूर हदीस और बच्चा बच्चा जानता है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाही व इतरती मा इन तमस्सक तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। देखो, मैं तुम्हारे दरमियान दो कदरदान भारे चीजें छोड़े जाता हूं, एक किताब इलाही यानी कुरान, दूसरी मेरे इतरत। अगर इनको मजबूती से पकड़ रखोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह ना होगे, हत्ता के मुझे हौज़े कौसर पर मिलो। तो ये दावा है, तो ता कयामत तक के लिए इस्लाम रहने वाला है। तो अब इस्लाम को सही मानों में ढूंढना है तो इसी आस्ताने पर जाना पड़ेगा, इसी आस्ताने पर जाना पड़ेगा। लेकिन अजीब है मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों की तारीख एक अजीब है। खुदा की कसम, कभी कभी सोचता हूं तो गैरों को मैं क्या कहूं, नाम निहाद मुसलमानों की तारीख भी ऐसी पड़ी हुई है। और आज भी शायद अंग्रेजी के खुतबों में भी आपने काफी सुना होगा, आज इस जबान से यह भी सुन लो, मैं अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कुछ बात नहीं, काला तकी जराज नहीं, काला रसूलुल्लाह की तरफ से मैं बात करूंगा, ताकि कोई परेशानी आपको भी दिक्कत ना आए। तो क्या हुआ, आज भी मुसलमानों की तारीख उठाकर देखो और यहां से तकलीफ होती है। आज के हमारे स्कॉलर्स, आज के हमारे स्टूडेंट्स जब डिग्रियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब इस्लामी तारीख सामने आती है तो एक मर्तबा पढ़कर के हैरान हो जाता है। मुसलमानों की वो किताब, वो तारीख है जो पहले पहले हर्फ पे पहली बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, अबू तालिब काफिर माजल्ला। ये तारीख है, उठा के देखो, हवाला जिसको देखना हो आइए खुशी से मैं बताऊं आपको, ये मुसलमान की तारीख है। बस यहां से वो कम अकल सिर्फ डिग्रियों की लालच में रहने वाले यहां से फर्क कर देते हैं कि ये है इस्लाम की तारीख, यानी अबू सुफियान की तारीख ये बताती है, अबू सुफियान माता मुस्लिमा, अबा तालिब माता काफिरा। अबू सुफियान कौन, ब्रीफ में कह दूं, अबू सुफियान कौन, यानी इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, रसूल के सामने कई मर्तबा जंगों में के सामने आया, लेकिन वो क्या हुआ, मुसलमान ने क्या लिखा, माता मुस्लिमा, जो वो मरा तो मरा। और अबू तालिब कौन, खाने काबा का मुहाफिज, दीन का मुहाफिज, रसूल को पालने वाले, सब कुछ, लेकिन माजल्ला काफिर। ये मुसलमानों की तारीख है, लेकिन कुदरत भी कभी कभी सच उगलवा ही देती है। फौरन इसके बाद, इस वर्ग के बाद जो आखिरी बात लिखी है, वहां एक नबी की हदीस को मशहूर कर दिया है और यहां लिखा है, कुल्ला मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, जो भी बच्चा जहां भी पैदा होता है इस्लाम की फितरत के साथ पैदा होता है। तो और माँ बाप या पालने वाले उसे अपनी राह पर लगा देते हैं। बस मुसलमानों इसी बात पर रहना, मैं अभी आ रहा हूं, फैसला आज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। देखो, तारीख के इस्लाम में दो शख्सियत ने दो दो बच्चे पाले हैं, दो दो बच्चे पाले हैं,
अबू सुफियान ने दो बच्चे पाले हैं, अबू तालिब ने दो बच्चे पाले हैं। अब कहते हो ना कि तारीख तो यही बताती है ना कि जो परवरिश पाते इसी तरह से होता है। तो अबू तालिब ने दो बच्चे पाले, एक रसूल बना, एक अली बना। अबू सुफियान ने दो बच्चे पाले, एक माविया बना, एक यजीद बना। अब कुरान आवाज देता है, कुल्ला यौमा नदउनासिन बेमामा, कयामत में हसर के मैदान में सब सब अपने इमामों के साथ आएंगे। अब फैसला आप ही कर लो, या वाया रसूल और अली के साथ मैसर में चलो, या पीछे माविया और यजीद के साथ चले चलो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है तारीख इस्लाम की, यह है तारीख की इस्लाम की। फैसला खुद करो, नबी के साथ पीछे नहीं चलना है मैसर में, इमाम के पीछे चलना है। तो अब ढूंढो कौन इमाम है, कौन सही मानों में इमाम है, वो तो ढूंढो। तो इनकार करने वाले ने किया। मैं बहुत सोचता रहा, आखिर अबू तालिब की खता क्या है, अली ने क्या बिगाड़ा है कि जो आज तक दुश्मनी चली आ रही है। आज भी अली का नाम लेते हैं तो चेहरे मुड़ जाए हुए नजर आते। क्या बात है, ये अली से दुश्मनी क्यों, ये अबी तालिब से इतनी दुश्मनी क्यों। बहुत ढूंढा, बखुदा मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि डिग्रियां हासिल करने तो मैं ही नहीं गया, यही आस्ताने पर अहले बैत के दास्ताने पर आया हूं। मौला कुछ मुझे बता दो। एक शायर का एक शेर मेरे सामने नजर में आया, बस मुझे इसके से फैसला मैंने कर दिया, और आप भी इसका लुत्फ उठाइए। किसी ने एक शेर में नकल किया है, सिर्फ इस जहान ने आए अबू तालिब, इस जहान ने तुझे सिर्फ इस खता पे छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। अब वो बुत नहीं जो खाने काबा में पिछाए गए हैं, चलते फिरते बुत, किसी के मामू किसी का खुद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस सिर्फ इस खता पे, क्यों, इस्लाम की हिफाजत में अली ने जो तलवार उठाई है, तो जरी में तलवार देखकर भी आज भी परेशान हो जाते हैं मुसलमान, आज भी परेशान हो जाते हैं। खैर बात को छोड़ रहा हूं, आगे चले। तो यह तारीख बताती है, यह इस्लाम की तारीख। तो इस्लाम की तारीख, जब तक आप कुफ्र को ना पहचानोगे, इस्लाम नहीं पहचाना जाएगा, यही वो वजह है। और दिन का मुस्तकबिल, क्या रसूल माजल्ला ऐसे को सौंप के जाए कि जो कुरान की आयतों को तिलावत करने के लिए भी भेजे, और वहां से वही नाजिल हो कि वापस बुला लो, या तू जा या तू से जो हो वो जाए। तो कुरान की चंद आयतों को रटने के लिए खुदा राजी नहीं, रसूल राजी नहीं कि उम्मत के सामने कुरान की तिलावत करे, तो क्या इस्लाम का मुस्तकबिल ऐसे के हाथों में सौंपता जाएगा, माने या ना माने। लेकिन अल्लाह मियां भी शायद कुछ जिद पर ही उतरा, जिद पर उतरा, ए अली तूने मेरे परचम को बुलंद किया, तूने इस्लाम को हमेशा के लिए कायम कर दिया, इस्लाम की सही मानों में शरीयतों को वाजे कर दिया। हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, अली अब तो सही कि मैं उन न मानने वाले मुसलमानों को भी एक मर्तबा इस जगह पर लाकर खड़ा रहूंगा कि चाहे तुझे न माने, वो कहलाएगा मेरा घर, कहलाएगा खाने काबा, लेकिन होगा तेरा जचा खाना। और उस जचा खाने के सामने इस तरह से बुलाऊंगा कि फाखेरा लिबास उतारो, कफन पहनो, सर मुंडाओ, और तीन पर लानत करो, तीन पर कंकरिया मारो, तवाफ करो, यानी तेरे जचा खाना का मैं तवाफ कराऊंगा, कहलाएगा मेरा घर, होगा तेरा जचा खाना। और तवाफ करने के बाद सफा और मरवा के बाद भी तुझे छोड़ूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं जब तक तीन पर लानत न करे, तीन पर। अब जो मैं कहता हूं इसकी जिम्मेदारी मैं करता हूं, आप जो क्या समझते हैं वो आप जाने, इसका आपकी समझ का तो मैं पाबंद नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज कबूल नहीं होता जब तक एक दो तीन पर कंकरिया ना मानो। पता नहीं कुदरत को भी क्या जीद है तीन पर, पता नहीं ये भी है, जब तक वो ना मारे। खरो तो इस आस्ताने पर लाए, और तारीख यह भी बताती है, तारीख यह भी बताती है कैसे भुला दिया मुसलमानों ने, कैसे भुला दिया मुसलमानों ने। अभी अभी खुतबे में भी वो जिक्र हो रहा था, चाहे इस जबान से यह भी सुन लो, बुलाने वाले ने किस तरह से बुला दिया, यानी हर जगह से जो तारुफ कराया, कितनी मरतबा तारुफ किया।
आज मुसलमान एक ही बात है, बस अल्लाह 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 करो, अल्लाह अल्लाह से अल्लाह भी नहीं पहचाना गया जब तक के इनके वसीले के जरिए से हमें बात ना पहुंची। वब्तगू इलैहि वसीला, तो हमें कहा है कि वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं, हमें बनाने का हुक्म नहीं है, हमें बनाने का हुक्म नहीं है, तलाश करो किसके जिम्मेदारी सौंप गई है। तो वब्तगू इलैहि वसीला, तो वसीला तलाश करो, जब ही इस आस्ताने पर पहुंचोगे। तो बताया किस तरह से, लाखों के मजमे में बता दिया, लेकिन न मानने वाले न माने, भुलाने वाले भुला दिए। अरे क्यों ना भुला दिया, क्यों ना भुला दिया, बरसों नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, बरसों नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, इतना भी याद न रहा कि नबी की नमाज कैसी थी, नबी के पीछे नमाज कैसी पढ़ती थी। लेकिन तारीख गवाह है, उठा लीजिए सही बुखारी, नाम भी देता हूं, कि जब अली के हाथ पर बैत हुई और मस्जिद नबवी में पहली मर्तबा अली ने जब नमाज पढ़ाई, तो जब नमाज पढ़ कर के निकले हैं सहाबा, और एक मर्तबा मालिक बिन अनस ने आकर कहा कि आज मैंने मुसलमानों की जबान से सुना कि बाद मुद्दत आज हमने नमाज ऐसी पढ़ी जैसे नबी के पीछे पढ़ते थे, यानी नबी के बाद नमाज बदली गई, और बदली तो जो सही मानों में नमाज हुई तो अली के पीछे नमाज हुई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कब तक अली का पीछा छुड़ाओगे, कब तक अली को नहीं मानोगे, कब तक अली से नफरत करोगे, कब तक उनसे बुक्स अदा करोगे, कब तक, कहां तक? समझना चाहते हो कि अली से बुक्स का क्या माना है, अली से दुश्मनी का नतीजा क्या है? अंग्रेजी में कह दूं साई समझ आवे, अली को छोड़ा, अली से मोहब्बत ना की, गो टू हेल। जी नहीं, आप खामोश रहिए जरा देर के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने फिर से कहा, ये काला तकी जरा नहीं, काला रसूलुल्लाह है, नबी सहाबी और हाजियों के बज में बैठे हुए हैं। सुनो, सब सहाबियों के बज में बैठे हुए हैं कि एक मर्तबा अली इब्ने अभी तालिब आए, अली का आना था, तो रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, या अली, सुनो मेरी जबान से आज, या अली, वो इंसान जो कसीरु सलात हो, यानि रात दिन नमाजें पढ़ता हो, रात दिन नमाजें पढ़ता हो, साल भर रोजा रखता हो, और हज के दरमियान सफा और मरवा के दरमियान सही करते हुए कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, भला बताइए आप ऐसा इंसान कैसा होगा? देखो जल्दी फैसला ना करना, खतरा है इसमें। ऐसा इंसान के जो पूरे साल भर रोजा रखता हो, नमाज पर नमाज पढ़ता हो, सफा और मरवा के दरमियान कत्ल कर दिया जाए, ऐसा इंसान कैसा होगा? तो रसूल ने फरमाया, या अली, ये सब कुछ करता हो लेकिन तुमसे अदावत और तुमसे दुश्मनी करता हो तो वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब अगर झगड़ा करना हो तो बड़े साहब से झगड़ा करना, ये मैंने नहीं कहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हदीस नबवी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी करो तो अल्लाह अल्लाह से इतना आसान नजात पाने का कोई इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। कब तक भागोगे, कब तक भागोगे, कब कब कहां पीछा छोड़ोगे? अली कहां नहीं है, चलो इसको भी सुन लो, अली कहां नहीं है और कहां है ये भी सुन लो, कहां नहीं है और कहां है, कब तक पीछा छुड़वाओगे अली से? यानी काबे में अली, मस्जिद में अली, घर में अली, दरबार में अली, मुबाहले में अली, कयामत में महशर में अली, मीजान पर अली, सिरात पर अली, पुले सरात पर अली, कौसर पे अली, हर जगह पर अली, हर जगह पर अली, हर जगह पर अली, एक जगह पर अली नहीं होगे। और जिसका शौक हो, मुसलमानों को है दावत है, खुशी से चले जाओ, जहन्नम एक ऐसी जगह है जहां अली नहीं होगे। अगर पीछा छुड़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कब तक छुपाते फिरोगे? जब अली की शहादत हुई है कूफे में, जब मस्जिद में अली की शहादत हुई है, तो आज जिस तरह से डॉक्टर ने कहा ना कि वेस्टर्न सोसाइटी आज भी अफसोस कर रही है कि अली की शख्सियत को कितना दबा दिया गया, तो उस वक्त में माविया के दरबार में, वहां शाम में लोगों ने सुना कि अली कत्ल कर दिए गए,
लोगों ने कहा अली कत्ल कर दिए गए, कहां कहां कत्ल कर दिए गए, कैसे कत्ल कर दिए गए? तो कहा मस्जिद में। अरे अली मस्जिद में क्या करते थे? अरे अली नमाज में थे, नमाज के आलम में कत्ल कर दिया गया। अच्छा तो अली क्या नमाज भी पढ़ते थे? देखो मुसलमानों को जहनों को ऐसा बदला था, अली की शख्सियत को इस तरीके से रखा था कि अली पहचाना नहीं जाता था। तो उस वक्त नहीं पहचाना जाता था, तो आज कम से कम इन फ्री सोसाइटी में अली का नाम लेके खुश हो। आज तो अली को पहचानवाने की कोशिश करो। अली के बगैर नजात है ही नहीं। और तारीख मुसलमान की यह भी देख लो, अहले बैत की तारीफ, अहले बैत की तारीफ यह भी आम मुसलमानों ने हर एक नकल किया है। हुब्बु अलीयुन जवाज़ लिल जन्ना, जवाज कहते हैं पासपोर्ट। और ये तो अब हर रोज जानते होगे, अब तो टूरिस्ट का मकाम एक दौड़ रहा है हजों में और ज्यारतों में। तो जवाज कहते हैं पासपोर्ट। हुब्बु अलीयुन जवाज़ लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का पासपोर्ट है, ये रसूल बता रहे हैं। हुब्बु अलीयुन जवाज़ लिल जन्ना अज फातिमतु ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन अहलिल जन्ना, फातिमा औरतों की सरदार है जन्नत में। अल हसन वन हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार है। नबी जन्नत का परवाना बता रहे हैं। अली और जन्नत, फातिमा और जन्नत, हसन और जन्नत, हुसैन और जन्नत, यह है जवाब। हर एक ने इसको नकल किया है, हर एक ने इसको नकल किया है। अब इस आस्ताने से हटकर कहां चलोगे? अरे अब भी ना मानोगे, अब भी ना मानोगे तो खलीफा दुय्यम उमर इब्ने खत्ताब, बार बार कम से कम 500 किताबों में तो मैं इसको बता सकता हूं, ज्यादा नहीं कम से कम 500 बार बार कहा है परेशानी में, लौला अली लहलका उमर, अगर अली तुम ना होते तो हलाक हो जाता उमर। आप इसे बिद्दत नहीं कहते? यानी वो कुदरत से भी, खुदा की तरफ से भी हट गया है, यानी अली को कुलियत की मंजिल पर समझते। हमने अली को कुलियत की मंजिल पर तो नहीं समझा, हमने वसीला समझा है, हमने एक आस्ताने पर आए हैं कि यहां से अल्लाह की तारीफ मिलेगी। मुसलमान मुसलमान कहते हैं कि कम से कम कॉमन ग्राउंड में तो हम मुसलमान है, गलत है, झूठ है। छुपाना क्यों, क्यों छुपा रहे हो? काबा एक है, नबी एक है, रसूल एक है, किबला एक है, गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं साबित कर दूं। उठा कर देखिए मुसलमानों की किताब में, जब खुदा का तस्वुर आया तो जिस्मानी का भी तस्वुर है, ऐसा हुलिया है, ऐसी जुल्फे है, दाढ़ी का जिक्र नहीं है लेकिन जुल्फों का जिक्र है, सब कुछ है, नौजवान है, इस तरह से मोटा है, चिरचिरारा है, ये तारीफ है अल्लाह की। तो कहां है अल्लाह एक? अल्लाह एक है तो मुसलमानों का अल्लाह देखो किस तरह से अल्लाह है। और अली ने जो तसव्वुर बताया है, नहजुल बलागा उठा देखिए उसको देखो। इसके बाद कहते हैं कि नहीं काबा भी एक, काबा भी कहां एक है? काबा को तो हटा ना सके लेकिन अपने अपने बुजुर्गों भी काबा और किबला बनाकर उसको भी हटा दिया, कम से कम उसको भी बना दिया, यह भी ना बता सके। चलो नबी एक, तो नबी भी कहां एक है? मुसलमानों की तारीख लिख देख कर गैर मुस्लिम ने तारीख लिखी जो आज तक मौजूद है, रंगीला रसूल लिखा, यानी रसूल की ऐसा पिक्चर, ऐसी तस्वीर बनाई दी कि गैरों ने रंगीला रसूल लिखने की हिम्मत की, और ऐसा बनाया है कि खुदा की कसम मुझे कहते हुए शर्म नहीं आई कि उन मुसलमानों ने जो रसूल की तस्वीर बनाई है उससे तो हम आप बेहतर हैं। यानी रसूल को अपना जैसा बनाया, हमसे भी घटिया बना दिया, माजल्ला माजल्ला। क्या ये रसूल? अब भी कहते हो खुदा भी एक है, रसूल भी एक है, किताब भी एक है। हाँ किताब एक है लेकिन इसमें भी फर्क कर दिया, ये भी सुन लो। कहते हैं कुरान तो हमारा कम से कम एक है। हाँ लफ्ज ठीक है, यानी बे से शुरू हुआ शीन पर खत्म हुआ, बस यही है। शायद उसी ने बस इसी पर वो कहा होगा कि हसबुना किताब अल्लाह, बस इसी पर कहा होगा क्योंकि बे से शुरू हुआ वन नास पर खत्म हुआ, बस यही कुरान है। लेकिन कुरान के हर्फ ना बदल सके लेकिन माना बदल दिए अपनी अपनी तरह से। ये मौदूदी का तर्जुमा, ये मौलाना पुया का तर्जुमा, ये मीर आगा का तर्जुमा, यानी हर एक अपने अपने, और ऐसा ऐसा तर्जुमा बना दिया कि आज भी मुसलमान नमाजों में भी इस तरह से कहते कि आमीन, यानी अब भी हमें सीधा रास्ता नहीं मिला, अब भी सीधा रास्ता नहीं मिला। ये भी है मुसलमानों की तारीख। देखो तो न खुदा एक, न नबी एक, नहीं तो इसकी किससे इस्लाम हासिल करे, तो किससे हासिल करे?
किससे हासिल करें। और ऐसी शख्सियत हमारे सामने आई कि जो इबादत की तो सीना तांड कर इस तरह से इबादत की, वमा खौफन मिन इबादती, मैं तेरी जन्नम के डर से तेरी इबादत नहीं की। इलाही व सैयदी मा अबतुका खौफन मिन नारी, मैंने तेरे जहन्नम की डर से तेरी इबादत नहीं की। वमा तमअन फी जन्नतिक, ना तो तेरी जन्नत की लालच से मैंने तेरी इबादत की। वजदतुका लिल इबादा फअबतुक, मैंने तुझको इस काबिल पाया कि तेरे आस्ताने पर झुक गया तो अली अपने अभी तारीफ ने सर को झुका दिया। यह है अली की तारीफ। इनसे पूछो, इनसे हक है कहने का, सलूनी कबल अन तफ्कुदूनी, पूछो मुझसे जो कुछ पूछना चाहो। ये दरबार खुला हुआ है, आज भी पूछ सकते हो, आज भी इस आस्ताने से आकर पूछ सकते हो। मानने वाले मैं जानता हूं, कैसे परेशान हुए, और मेरे स्कॉलर्स, मेरे उन नाम निहाद मुसलमान स्टूडेंट्स, उनके लिए मुझे एक अपील है, खुदा करे आप इल्म में इजाफा हो, आगे बढ़ो। हम चाहते हैं, इस्लाम चाहता है, लेकिन अहले बैत के आस्ताने से हट करके नहीं। जब तक अहले बैत साथ नहीं है गुमराह हो जाओगे, क्योंकि नबी ने यह पहली हदीस बता कर दी है, इससे आस्ताने से हटकर कभी सही राह पर नहीं आओगे। तो आज नबी की हदीस और नबी का कैरेक्टर देखना हो तो इसको समझने वाले, अहले बैत को पहचानने वाले, नबी को मानकर इसकी अमल करने वाले ऐसी शख्सियत के जो ना हम शक्ल, ना हम जबान, ना हम रिश्तेदार, कुछ नहीं, दूर से करीब बुला करके सीने से लगा कहा सलमान व मिन्ना अहले बैत, सलमान मेरे अहले बैत से। तो जो अहले बैत के दास आस्ताने पर आ गया और झुक गया वो सलमान फारसी कहलाया, और अहले बैत के आस्ताने से हट गया वो सलमान रुस्ती कहला गया। तो घबराना नहीं, आज भी करबला सकती है, हर रोज सकती है, कोई हुर बन के चला आता है, कोई हुरमला बन के चला जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहने वालों ने बड़ी तकलीफ उठाई, भाई एक किस्सा आपके सामने रुजू करूं और मसाइब की तरफ पलटना है। हाँ हुजूर, कैसी कैसी तकलीफ उठाई, और मानने वाले थे तो कैसे कैसे मानने वाले थे। मैं सलमान का नाम नहीं लेता, मुझे अबू जर का नाम नहीं लेना, मुझे मिकदार का नाम नहीं लेना, यासिर का नाम नहीं, ये तो बहुत बड़े दरंजा के, बहुत बुलंद दरजे के सहाबी थे। मैसम तो इसमें नहीं थे, मैसम तम्मार का तो वो दर्जा नहीं, लेकिन आइए मैसम अली के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले कैसे थे। इब्ने ज़ियाद ने मैसम को दरबार में बुलाया और कहा मैसम हम तुम्हारा मकाम जानते हैं, हम जानते हैं तुम अली से कितनी मोहब्बत रखते हो, लेकिन मैसम आज मैं चाहता हूं आज अली की बुराई तेरी जबान से मैं सुनूं। तेवर बिगड़ गए मैसम के, क्या बात है, क्या बात है, अरे जिसकी जिंदगी, पूरी जिंदगी इनकी मदोसना में गुजरी, क्या आखिरी लम्हा, मैं उस आस्ताने से पलट लूं, ये कभी नहीं हो सकेगा। और अली के फजाइल बयान कर जाए। इब्ने ज़ियाद एक मर्तबा खफा हो गया कि मैसम हम तुम्हें सूली पर लटका देंगे। कहा हाँ, मेरे मौला ने यही कहा था, मैसम हमारी मोहब्बत में जो पहला ज़र्ब लगेगा वो तुझे सूली पर लटका दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा हम तेरे हाथ पांव काट देंगे। कहा हाँ, मेरे मौला ने यह भी कहा था, मैसम दूसरा जख्म लगेगा तो तेरे हाथ पैर कलम कर दिए जाएंगे। बिगड़ गया इब्ने ज़ियाद, हम तेरी जबान काट लेंगे, मैसम ने कहा खुदा की कसम मेरे मौला ने यह भी कहा था कि मैसम मेरी मोहब्बत में आखिरी जो ज़र्ब लगेगा वो तेरी जबान नोच ली जाएगी। बस बिगड़ गया इब्ने ज़ियाद, बिगड़ गया। कहा मैसम हम तेरी जबान नहीं काटेंगे ताकि तेरा मौला झूठा हो। तेवर मैसम के बिगड़ गए, अरे क्या बदबख बात कर रहा है, क्या मेरा मौला कभी झूठा हो सकता है। एक मर्तबा हुक्म दे दिया गया मैसम को सूली पर लटका दिया जाए, हाथ पैर कलम कर दिए, खून में तरबतर लहू बह रहा है, मुसलमानों का मजमा जमा हुआ है और लोगों को पुकार पुकार कर मैसम बुला रहे, आ जाओ आ जाओ। नबी की वो हदीस, मशहूर हदीस जो आम मुसलमानों ने नकल की है, वो बोहरा रहे हैं, वो बता रहे हैं मैसम कि आओ नबी की जबान से जो अली की फजाइल सुनी है वो मैं तुम्हें बताऊं। नबी ने कहा
कि आदम को अगर इल्म में देखना चाहो, नूह को फहम में देखना चाहो, मूसा को तकल्लुम में देखना चाहो, ईसा को सुन्नत में देखना चाहो, यूसुफ को जमाल में देखना चाहो, अय्यूब को सब्र में देखना चाहो, दाऊद को कुव्वत में देखना चाहो, फल यंजुरु इला वजह अली इब्ने अबी तालिब, अली के चेहरे पर नजर करो, ये सारे अंबिया की सिफात इसके सामने नजर आएंगी। यानी अली की जात वो जात है कि फैला दो तो एक तंबे 124,000 अंबिया बन जाए, और समेट दो तो नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह बन जाए। महसम बार बार फजाइल अली बयान कर रहा है। लोगों ने जाकर खबर दी, इब्ने ज़ियाद गजब हो गया, मजमा फिर जाएगा, वहां तो अली की मदोसना हो रही है। फौरन जाकर कहा, जाओ इसकी जबान काट लो। जैसे जबान काटने के लिए आगे बढ़ा तो महसम ने जबान को आगे करके कहा, देखा मैंने क्या कहा था, क्या मेरा मौला झूठा हो सकता है, और जबान काट ली गई। आज भी महसम तम्मार की ज्यारत करने के लिए मुसलमान जा रहे, ऐसे थे मानते। तो आज तो आपकी जबान को पर कोई पाबंदी नहीं, आज तो आपके आस्ताने पर आकर कोई जुल्म नहीं डाता, आज तो आपके घर को जलाया नहीं जाता, फिर अली से अदावत क्यों, अली से अदावत क्यों? और ये तो हम तो उनकी सहाबियों की पैरवी करते हैं, उन्हें ने बताया है। आप हमें ये न कहो कि हमने अली को कलमे में क्यों शामिल किया, हमने इन सहाबों से सीखा है। कम से कम हमारी ना बात मानो तो उमर इब्ने खत्ताब की तो बात मानो, कम से कम उनको तो मुसलमानों ने खलीफा माना, हमको भी मानना पड़ेगा। तारीख में इस्लाम में है, इसका तो इनकार तो नहीं है। देखो बुखारी में भी देख लो, उस पढ़ लो, उमर का ये स्टेटमेंट है कि हम नबी की अहद में, नबी की मौजूदगी में अली के दुश्मन को मुनाफिकीन की शक्ल में पहचानते थे। यानी अली से दुश्मन करते थे, हम फौरन पहचान जानते थे कि मुनाफिक कौन है। अली से बुस करने वाले को हम पहचान जाते, बस उस खलीफा में और हमारे में फर्क इतना है, वो सिर्फ अहद नबी तक पहचानते थे, हम आज तक पहचानते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम आज तक पहचान जाते हैं, क्योंकि अली का जिक्र ऐसा है कि अल्लाह ने खुद ने कहा है, नबी ने खुद कहा, जिक्र जिक्र अली उन भी जिक्र जिक्र अल्लाह, अली का जिक्र हल महफिल में आप बयान करो, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र नबी का जिक्र, नबी का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, यानी माबूद तक ये पहुंचा देता है आपको। ये है अली की तारीफ, ये है अली की तारीफ। अली की शख्सियत को पहचाना, किसी ने खूब कहा है, अली की शख्सियत ऐसी वैसी नहीं, नफ्स कितना मुजमहिल ईमान किस दर्जा कवि, नफ्स कितना मुजमहिल ईमान किस दर्जा कवि, नाने जाओ तोड़े ना टूटे बाबे खैबर तोड़ दे। ये है अली, अली की नफ्स का पहचान यही है। बाजू में कायनात को चीर डालने वाली तलवार मौजूद, लेकिन नबी से जो वादा किया था, नबी से जो वादा किया था कि सब्र करूंगा, तो घर जलने दिया, गले में रस्सी का फंडा डाल दिया गया, लेकिन अली गैज में नहीं आए, क्योंकि इस्लाम का मुहाफिज था। तो कम से कम उमर से सीखो, उमर से सीखो, और बार बार यह कहता हुआ आया है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। यह हजरत उमर का है स्टेटमेंट, कम से कम उनसे सीखो। तो ये कह रहे हैं कि मुनाफिक को हम उली के दुश्मनी से पहचानते थे, तो अब आइए यही पहले पहचान लिए, इसी के मुताबिक कलमा हो। हम यही तो कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हम गवाही देते हैं कि हम मुशरिक नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी हम गवाही देते हैं कि हम काफिर नहीं है। और अशहदुन्ना अलीउन वलीउल्लाह, हम गवाही देते हैं कि हम मुनाफिक नहीं है। बस ये कलमा है पूरा। और अब भी जंग के मैदान में कलमा सुनना हो तो ओहद का दरबार, ओहद का जंग में, जंग के मैदान में नबी के साथ अली है, मुसलमान भाग रहे हैं, इससे जब भागते भागते सिर्फ तीन हस्तियां मैदान में रह गई, या वो अल्लाह जिसने दीन को भेजा, या वो नबी जो जिसने दीन को पहुंचाया, वो या वो अली जिसने दीन की हिफाजत की। अब मुसलमानों चाहे तो कलमे में शामिल हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसी शख्सियत कि जिसका सफर अल्लाह के घर से अल्लाह के घर तक, पैदाइश खाने काबा में, मस्जिद कूफा में, हालत नमाज में, सज्दे की हालत में शहादत पाई, और जब शहादत पाई 19वीं वो रमजान सहने मस्जिद पर एक मरतबा आकर अपने हाथों से कस के रुमाल को बांधा,
और पेशानी को जमीन पर रख करके कहा फुस्तो बे रब्बिल काबा, और खाक उठाते जाते थे और कहते थे आज मैं कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हो गया? आज तक चीज क्यों नहीं बताई? इंशाल्लाह कल की बदलिस में मैं इसका तफसीरा करूंगा। बस मोमिनों में ने जहमत दी, ख्वाहिश थी, दिल की तमन्ना थी कि चाहने वालों के सामने अली की मदोसना हो जाए। अली ने सर झुका दिया, हसनैन आगे बढ़े और एक मर्तबा कहा मेरे लाल आज बाप में इतनी ताकत नहीं कि उठकर चल सके। एक मर्तबा हसनैन आगे बढ़े और गिलीम में लिटा करके मौला को उठा दिया गया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, दो मासूम और एक शहीद तारीख इस्लाम में ऐसे गुजरे हैं कि जिनको कभी गली गिलीम में या चादर में उठा दिया गया। एक बगदाद गरीब मूसब ने जाफर, और एक अली इब्ने अबी तालिब, और तीसरा करबला में कासिम इब्ने हसन जो चादर में उठा दिया गया। यह जिंदा जनाजा था अली का जो मस्जिद कूफा से लेकर के घर तक आए। ज़ैनब उम्मे कुलसूम इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी। जिंदा बाप का लाशा आया और जब करीब आए घर की तरफ तो एक मरतबा आवाज दी हुज़ैफा को और कहा देखो अब सब तुम अपने अपने घर चले जाओ, ये रसूल का घराना है। मेरे बेटियां ये सुनकर के बेताब होगी, कहीं इसकी आवाज बुलंद न हो जो सुने। या अली इतना इंतजाम कि आखिरी वक्त पर भी ये ना चाहा कि बेटियों की आवाज कोई सुने। कहां थे करबला में, कहां थे करबला में मौला? बरहाल सब सहाबी ये के बाद दीगर चले। 19 का दिन खत्म हुआ, 20 का दिन खत्म हुआ, 21 रात रमजान की 21 की सब आई। अली ने वसीयतों को तमाम किया, आंखें बंद हो रही थी, एक एक को बुला करके वसीयत की और कहा जाओ अब अली को आराम करने दो। आंखें बंद की और एक मर्तबा फौरन आंखें खोली और कहा किसके रोने की आवाज आ रही है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? किसी ने बताया मौला उम्मुल बनीन मादर अब्बास रो रही है। कहा बुलाओ बनीन को। बनीन करीब आई तो क्यों बनीन क्यों रो रही हो? का आका मेरे सरवर और सरदार अभी अभी आपने वसीयत की, एक एक का हाथ उठा करके हसन मुस्तबा के हाथ में दिया, क्या मेरा बेटा अब्बास इस लायक न था कि इसका हाथ भी सौंप दिया जाए? बस अली रो पड़े। बनीन बस इसी बात पर तू रो रही हो, इसी बात तू नहीं जानती बनीन, तू नहीं जानती। कहा बुलाओ अब्बास को। और एक मतलब कहा बुलाओ हुसैन को। हुसैन आए तो अब्बास का हाथ लेकर हुसैन के हाथ में रखा और कहा हुसैन ये भाई नहीं गुलाम है, ये भाई नहीं गुलाम है। और एक मर्तब अब्बास को कहा अब्बास अब्बास ये भाई नहीं आका है। बस वसीयतों को तमाम किया, अली की आंखें बंद हो रही थी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम हसरत भरी निगाहों से बाप को देख रही थी। एक मर्तबा इस तरह से आंखें फेर ली कि एक मर्तबा आहो बुका की आवाज बुलंद हो गई, मोहला की रूह परवाज हो गई। एक मर्तबा हसनैन ने अमामा सजमीन पर फेंक दिया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने सर पीट लिया, बाबा बाबा कहां पर आकर छोड़ दिया, बाबा हमें यतीम करके चले। हाँ ज़ैनब को फौरन याद आया, नाना याद आया, नाना ने कहा था बेटी परेशान न होना, बेटी परेशान न होना, सब्र करना। ज़ैनब सब्र करती गई, कभी नाना का साया उठा, कभी माँ का साया उठा, कभी बाप का साया उठा और भाई का भी साया उठा। ज़ैनब सोच रही है कब तक सब्र करती रहूंगी। एक मर्तबा जनाजा तैयार हुआ, भाई के कांधे पर बाप का जनाजा धूम से निकला, ज़ैनब देख रही थी। हाँ ज़ैनब देख रही थी, ज़ैनब कम से कम आज इतना इत्मीनान हुआ कि बाप का जनाजा बेटों के दोस्त पर तैयार होकर चला और जाकर दफन किसकुदा हुआ, सब कुछ देखा। हाय ज़ैनब वो वक्त भी आया जब एक मर्तबा वाकई करबला में 11वीं को लुटा हुआ काफिला जब चला है,
तो जनाबे ज़ैनब फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे माजाए हुसैन के लाश के करीब आबिद बीमार खड़े हुए है और चेहरा मुतगैर हो रहा है, और मैंने आगे बढ़कर के हसाना हिलाया, आबिद बीमार, मेरे लाल, मेरी जान, इतना इस्तराब क्यों, इतना कर्ब क्यों, क्या जान दो दोगे? तो आबिद बीमार ने कहा, फूफी अम्मा, ये बाप का लाशा सामने बेगोरों कफन पड़ा है, जवान बेटा सामने है, क्या करूं, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। ज़ैनब ने सहारा दिया, मेरे लाल सब्र करो, देखो मेरे लाल, 21 रमजान को जब तेरा दादा दुनिया से जा रहे थे तो मुझे करीब बुला के कहा था, ज़ैनब ज़ैनब करबला में तुझे सब्र सब्र करना होगा, देखो कब्र करबला में तेरा माँ जाए मारा जाएगा, लेकिन ज़ैनब सब्र करना, वहां बस्ती बसेंगी, वहां कब्र तैयार होगी, वहां रोजा तामीर होगा, वहां शहर आबाद होगा, लोग दूर दूर से ज्यारत करने चले आएंगे। आज भी हर दुनिया के कोने कोने से आवाज बुलंद होती है, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दिल्लाह। एक मरतब आबिद बीमार ने कहा, फूफी अम्मा दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। तो कहा, फूफी अम्मा, मेरे दादा ने कुछ और भी कहा था? कहा, हाँ मेरे लाल, मैंने पूछा बाबा, मेरा माँ जाए तो जबा कर दिया जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो रसूल की आंखों में आंसू रख गए, बाबा की आंखों से आंसू निकले और कहा, ज़ैनब तुझे दर बर दर फिराया जाएगा, हाथों में रस्सी बांधी जाएंगी, लेकिन सब्र करना, ज़ैनब दरबार में भी चले जाना। ये तारीख बताती है, ये काफिला लुटा हुआ काफिला कूफे से शाम आया और शाम के दरबार में जब जाने लगा, जब आखिरी दरवाजा खुला, एक मरतबा हजारों का मजमा मुसलमानों देखा, ज़ैनब एक मरतबा घबरा के बैठ गई। आबिद बीमार ने बाजू को थामा, आए सब्र की मलेका, क्यों सब्र को तोड़ दिया? कहा, नहीं, मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब दरबार में चली जाना, मैं भी साथ आऊंगा, मैं बाबा का इंतजार करती हूँ। बाबा ज़ैनब आ गई, अरे दरबार में जा रही है, बाबा सहारा दो, अरे किसी ने बाजू को थामा, ज़ैनब खड़ी हो गई, चलो बाबा ज़ैनब दरबार में भी चली जाएंगी। यही वजह ज़ैनब टोकरे काती काती दरबार में भी गई, और जब नाना के रोजे पर गई तो फरियाद की, नाना कैदी आइए नाना। शेरे खुदा की लाश है सुए नजफ चली, शेरे खुदा की लाश है सुए नजफ चली, हर सिम एक शोर है मौलाली अली, शाहजादे शाहजादिया बाबा को रोते हैं, हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं, जहरा के घर में कैसी मुसीबत ये आ गई, शेरे खुदा की लाश है सुए नजफ चली, दीवारों दर है नौहा गुना शहर सोगवार, सर को पटकते जाते हैं मौला के जानिसार, एक तेग जहर बार से दुनिया उजार दी,
शेरे खुदा की लाश है, सुए नजफ चली मजलूमियत का हका, मददगार चल बसा बेवाओं का यतीमों का, गमख्वार चल बसा मुश्किल खुशा जुदा हुआ, मुश्किल ये आ गई शहरे खुदा की लाश है, सुए नजफ चली ज़ैनब की नजरे बाबा को पाएगी अब कहाँ, कुलसुम रोती जाती है ले ले के हिचकिया, बाबा की याद आती है हर वक्त हर घड़ी, शेरे खुदा की लाश है, सुए नजफ चली ज़ैनब की नजरे बाबा को पाएगी अब कहाँ, कुलसुम रोती जाती है ले ले के चिकिया, बाबा की याद आती है हर वक्त हर घड़ी, शेरे खुदा की लाश है, सुए नजफ चली लो सोगवारों मेरे विलायत इमाम की, कांधों पे लाश उठाओ तुम जख्मी इमाम की, कहते चलो यहाँ से नजफ तक अली अली, शेरे खुदा की लाश है सुए नजफ चली, शहजादे शहजादिया बाबा को रोते हैं, हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं, जहरा के घर में कैसी मुसीबत ये आ गई, शेरे खुदा की लाश है सुए नजफ चली, जालिम चला के खंजर क्या तुझको मिल गया, तूने सतून दीन मुहम्मद गिरा दिया, तूने खुदा के घर को बनाया है करबला, शेरे खुदा की लाश है सुए नजफ चली।
पर।